गुड मॉर्निंग मोटू जी, उठ गई हो आप? वाह, देखिए स्तूपा। आज ना ऐसा जबरदस्त लैंडस्केप बड़ा हुआ है ना, कसम से कह रहा हूं मेरा मन कर रहा ड्रोन उड़ा दूं। मगर ये इंद्र देवता जी है ना, जो इन्होंने कर रखा कांड। छोटा सा बारिश हो रखी है, अब बारिश में मैं ड्रोन उड़ा के रिस्क नहीं लेना चाहता। डर लगता है कि कहीं बंदर तो नहीं आ गया। ये देखो सामने, जबरदस्त वाला लैंडस्केप बना हुआ है। मैंने वैसे कुछ फोटोज क्लिक करी हैं, वो मैं जरा साइड में डाल देता हूँ, आप देख लो। अगर आपको सेव करनी है तो आप आर्टिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। उठ जा अब। इसने ना सारी रात कम से कम भी 8 बार, मैं बता रहा हूं आपको, सुन लो मेरी बात, कान खोल के थोड़ी आवाज कर लो, 8 बार इस औरत ने हमारा एपिसोड 1 देखा भाई। 8 बार, आठ आठ व्यू तो इसने दे दिया हमें। और हमारे कुछ प्रिय मित्र ऐसे हैं जिन्होंने हमारी व्लॉग का लिंक जो है अपनी स्टोरीज में शेयर किया है, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देना, धन्यवाद देना। हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ ना कुछ छोटा सा गिफ्ट जरूर मिलेगा। जिस टाइम मेरे 10 10 लाख हो जाएंगे ना, उस टाइम पक्का दूंगा। शुभ शुभ बोल के टे शुभ चिंतक आवो हमारे। और जो ये तुम बादलों वाली चादर पे सो रहे हो ना, बादलों वाली चादर पे, रात को ठंडी बहुत ही है। आपके साथ भी होता है कभी, मतलब जिस एरिया में आप सो रहे हो ना, वो पर्टिकुलर वो वाला एरिया गर्म हो जाएगा जब आपको थोड़ी ऐसी लगेगी ना गर्मी जैसी, फिर उसके बाद टांग हल्की सी रजाई से बाहर निकालो, वो ठंडा ठंडा लगता है। कैमरा बंद नहीं बंद होगा। एक तो ना माँ कसम, बारिश ने अच्छा खासा तैयार हो रहा था मैं सलोन जाने के लिए, अच्छा खासा सलोन जाने के लिए तैयार हो रहा था मैं, यार यहाँ फिर बारिश होगी। अब ऐसे खड़े होके क्या होगा, धुल जाएंगे ये। डिप्रेशन हो गया। ओ तेरी एक, तू ना जीने दियो मेरे को साले। डिप्रेशन हो गया, हट जा यार। वो बंदर को तो जाने दे। जल्दी जा। वैसे इधर तो नहीं पड़ रहा होगी बारिश है। क्या दिख नहीं रहा तुम्हें यार, कहाँ इतनी पड़ रहा है? मेहनत से मैंने ये बाल डाले थे, अभी क्यों बारिश हुई, अभी तो धूप लग रही थी। अरे नहीं हो रही यार, कुछ नहीं, गिल्ला हुआ निकाल, चल बारिश नहीं पड़ रही, चल हट। क्या बारिश नहीं पड़ रही है क्या? धीरे चला ले, बंदे देख रहे हैं नीचे बैठे खाना खाते हुए। बैग भी गिल्ला हो गया मेरा। कोई नहीं, टेंशन ना ले यार, कपड़े ही तो सुबह हैं, से मेहनत कर रही थी, कपड़े ही तो हैं, सूख जाएंगे फिर से, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। कभी गीला आएगा, कभी सूखा होगा, कभी धूप आएगी, कभी ठंड आएगी, कभी छाव। गुस्सा आ रहा है तो दीवार बनवाई हमने इतनी अच्छी, पेंटरों को पैसे देके मार सीरीज में। चक्कर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी करा दी यहाँ छुट्टी। जट एंड जूलियट, डिप्रेशन हो रहा है, हट जा। जट एंड जूलियट ही देख लेते हैं। हां, मम्मी के रूम की जाओ। ओके। ओए यार नहीं पता चल रहा भाई, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी अभी। बैग बूग जूते जाते हमने तभी बाहर रखे थे, हमने सोचा था कि भाई धूप निकली है फटाफट लगवा लेते हैं, क्योंकि बरसातों में धूप इज अ ब्लेसिंग, और इतनी अच्छी लगती है ना वो धूप। बट मोए 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 मोए
अच्छा तुम यहाँ हो? ओह माय गॉड, देखिए गाइस, चटियाँ सूख रही हैं, बैग सूख रहे हैं। रात को आपने देखा था ना, लड़की हरी चटनी बना रही थी, इसको निर्मल बाबा जी ने बोला था और आज इसने खा भी ली। बाबा जी ने बोला था कि हरी चटनी बनाएं और उसमें खूब सारी मिर्चें डालें, ये भी बोला था। ये जो मैं कोलगेट लेकर आया हूँ ना दांत रगड़ने के लिए, देखियो कहीं कल पिछवाड़ा रगड़ना पड़ रहा उससे। कितने डी ग्रेड व्लॉग बनाते हो ना तुम, तभी तो तुम लोगों को व्यूज नहीं आते। लोगों को चाहिए संस्कारी बहू। पता नहीं कैसे कैसे व्लॉग बनाते हो। अच्छा खासा चंडीगढ़ जा रहा था मैं, इंद्रदेवता जी ने बोला कि तूने नहीं जाना आज, यहीं बैठ। चलो भाई मैं तैयार होता हूँ, मैंने जाना बैंक, बैंक में अपने को थोड़ा सा काम है, वो काम करके फिर मिलता हूँ आपसे शाम को। टिल देन थोड़ा सा गाने गुने देखो, काम कुम करो, खाना खुना चाय चुए बना लो ना, मैं आया जरा बैंक का काम करवा के। अच्छा ही हुआ गेट नहीं, हम कसुमटी साइड ही जा रहे हैं, भैया भी सोचे हैं कि अच्छा बैंक ही गया। ये ना सुबह सुबह खुल जाती है दुकान, और सुबह सुबह 6:30 बजे समोसे तल रहे होते हैं। दो बार नजर गई मेरी, फिर मैंने सोचा रुकूं के ना रुकूं के ना। सुबह 6:30 बजे समोसे खाया थोड़ी सी, फिर मैंने नहीं खाए ऐसे। आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, किट्टी मैडम और मैं ना अभी अतिथि स्वीट्स के गोलगप्पे खा के आए हैं। गया तो मैं बैंक का काम कराने था, साथ में मैंने सोचा चल गोलगप्पे भी खा ही लेते हैं। अतिथि स्वीट्स ठंडे आगे, चाट पापड़ी खाने पहुँच गए हैं हम। अभी तो आए हैं। वाह नमस्ते भैया जी, हमने सोचा था कि आप आओगे नहीं, बारिश के चक्कर में हम चले गए कहीं और खाने। अब हमें आप एक एक प्लेट गोलगप्पे भी खिला दो और पापड़ी भी खिला दो। जब आप आएंगे तो मैं भी आ सकता हूँ ना। हाँ ये बात भी है, वैसे पॉइंट है। लड़की पागल है पागल है पागल पहले इसने अतिथि में खाया, फिर भैया के पास खा लिया, फिर इसने एक प्लेट चाट पापड़ी, इतना खाती है ना ये। मजा नहीं आया ना, बहुत खाया इसने, चेंज करना पड़ा, बहुत ज्यादा खाया। मौसम एक नंबर कत्ल। ये अंकल देखो कितने क्यूट है यार, स्प्लेंडर में चले मैं कर चुका हूँ।
हमने आज बहुत ही हेल्थ क्या काढ़ा क्यों आ रहा हूँ मैं इतना अमृतसरी बढ़िया खाई हमने जो हम, गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पास जो नहीं होती ऑथेंटिक वाली मज़ा आ गया। मगर किट्टी कैरी मैंने तो ये देखो जैसे कुत्तों के लिए रखा है। हाँ टॉमी को डालते नहीं मैं बोलने भी लगा था ये मैंने उनके लिए रखा है। क्या बात है शेफ साहब हमारे पहले ही, बहुत चीज खाने का पहले ही सेपरेशन करके रखी हुई है इन्होंने। कम में आलू बन क्या रहा है चीज रोटी उनको इनको मत छेड़ना ज्यादा क्योंकि फट जाते हैं। पर मैं तो खा नहीं सकता मेरा तो बंद है सब। तुम मत खाना ये सारे में तुम खाओगे हेल्दी लाइफस्टाइल तो क्या बंदा खाए भी ना मर जाए। खाओ खाओ किट्टी को भी ये चीजें तब बनानी है जब मुझे बॉडी बनानी है ना बाबा तेरे को तभी बनानी है ना ये सारी चीजें जब मुझे शरीर बनाना है। टेस्ट कर रही हूँ ना पेशेंस लेवल है मतलब सीरियस पेशेंस लेवल जैसे भगवान हमारे को टेस्ट करते हैं है इसमें वो बात। बुखड़ थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों ने हमारे व्लॉग को आप लोगों ने हमारे व्लॉग को इतना प्यार दिया कि बार बार मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि कौन कौन इस व्लॉग को देख रहा है। और ये देखिए चीज बहुत सारे लोगों ने हमारे खास मित्र हमारे खास जो वेल विशर्स हैं उन लोगों ने हमें ढेर सारी एप्रिसिएशन दी है और अच्छा लगा मज़ा आ गया मज़ा। कसम से कह रहा हूँ इतना कंट्रोल करना पड़ रहा ना मेरे को। कल हमारी सिस्टर का जन्मदिन था किसका गौरी का अच्छा। वो हमारे लिए रसगुल्ले का डब्बा लेकर आई वो भी 1 किलो पूरी टीम ने खाया मैंने इतना भी नहीं खाया। अब वो गुस्सा हो जाएगी देख के। और ये इधर गेड़ा दे रखा है इसने और मैं फिर भी नहीं खा रहा ऊपर से है यार। लाफ्टर शेफ चल रहा है मैं फिर भी नहीं खा रहा आलू है पर वो है ना फ्राइड डी। इसका डिनर देख लो गाइस ये डिनर है।